हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ माहरीन अ टीचर इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल निचला थड़ा आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और जो कल मैंने आपको पढ़ाया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में वो आपने अच्छे से सुना होगा और उसके बारे में और ज़्यादा अपनी बुक से पढ़ा भी होगा सो so स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हम इंडस्ट्रीज़ को तरह तरह तरीक़ों से क्लासिफाई करते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा कितना पैसा आपने लगाया है एक इंडस्ट्री पे उस बेसिस पे हम इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल बोलते हैं और लार्ज स्केल स्मॉल स्केल हो गई जिसमें कम इन्वेस्टमेंट uh, हो लार्ज स्केल हो गई जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो नेक्स्ट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी हैव पब्लिक प्राइवेट एंड कॉपरेटिव पब्लिक इंडस्ट्रीज़ में वो इंडस्ट्रीज आती हैं विच आर ऑपरेटिड बाई द गवर्नमेंट एजेंसीज प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर दोज विच आर ऑपरेटेड बाई द बाई द प्राइवेट पीपल जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया टेस्को हो गया एंड लास्ट कम्स कॉपरेटिव जिसमें वो कॉपरेटिव इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें जो इंडस्ट्री को चला रहा है उसी का रॉ मटीरियल भी है या तो वो सप्लायर ऑफ रॉ मटीरियल है या तो वो प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटीरियल है तो उसको बोलते हैं हम कॉपरेटिव इंडस्ट्रीज़ नेक्स्ट इज़ क्लासीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल कुछ रॉ मटीरियल जो होते हैं वो लाइट होते हैं तो उस बेसिस पर हम उनको लाइट इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं और कुछ होते हैंवी उनको हम हैवी इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं स्टूडेंट्स uh, हमारे जो सोर्सेज होते हैं रॉ मटेरियल के uh, वो होते हैं एक तो एग्रीकल्चर से आते हैं एक आते हैं मैन्युफैक्चरिंग से जो एग्रीकल्चर से आते हैं उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं और आज हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे बेस्ड हो उनको हम क्या बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल्स कॉटन हो गया जूट हो गया शुगर हो गया अब हम सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल जो है वो सदियों से चला आ रहा है उसका जो इस्तेमाल है सदियों से चला आ रहा है पुराने ज़माने में क्या होता था हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती थी एटीन सेंचुरी में क्या हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई तो पावर लूम्स आ गए का यूज़ शुरू हो गया और जो हमारे देश में जो फेमस स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन uh, की जो स्पिनिंग मिल्स हैं ज़्यादा वो हैं महाराष्ट्र गुजरात और जो इंडिया का कॉटन है वो बहुत सारे देशों में बहुत ज़्यादा फेमस है तो हम बहुत सारा कॉटन जो टेक्सटाइल जो है वो uh, वो एक्सपोर्ट uh, भी करते हैं जैसे कि अमेरिका हो गया यूके हो गया वहां पे नेक्स्ट इज जूट टेक्सटाइल्स, uh, हाँ जूट का जो है रॉ जूट का इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फेमस स्टेट कौन सी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट इंडस्ट्रीज़ हैं वो है वेस्ट बंगाल और क्यों ऐसा वहाँ पे क्यों है क्योंकि वहाँ पे एक हुगली रिवर है जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर जो है पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल और जूट टेक्सटाइल में पानी की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर चीप लेबर भी अवेलेबल है इसीलिए वेस्ट बंगाल में जूट टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर ज़्यादा मिल्स पाई जाती हैं नेक्स्ट इज शुगर इंडस्ट्री स्टूडेंट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया शुगर का और महाराष्ट्र इज द फेमस स्टेट वेयर शुगर मिल्स आर अवेलेबल और रॉ मटेरियल जो है महाराष्ट्र का वहाँ पे जो है वहाँ पे हाई सुक्रोस शुगर केन जो है वो अवेलेबल होता है तो जिसकी वजह से वो अच्छी क्वालिटी का शुगर बन सकता है उसमें मिठास ज़्यादा होती है तो इसीलिए महाराष्ट्र जो है मैं महाराष्ट्र जो है वहाँ पे ज़्यादा ये पाया जाता है स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आज का लेक्चर क्लोज़ करती हूँ कल हम पढ़ेंगे मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में किसी नए टॉपिक के साथ उसी के साथ थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे